फाइनली अमेजोन की सेल का इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद मैंने परचेज कर ली है अमेजोन की फायर टीवी स्टिक और ये मैंने परचेज करी है थर्ड जनरेशन की फायर स्टिक। वेलकम टू नॉलेज एटलेस दोस्तों, मेरा नाम है सागर बुद्धिराजा और आज हम करने वाले हैं अमेजोन फायर स्टिक थर्ड जनरेशन की अनबॉक्सिंग प्लस डिटेल रिव्यू। अमेजोन फायर स्टिक थर्ड जनरेशन मुझे मिली है सिर्फ 1800 रुपए में। कैन यू इमेजिन, इतना बढ़िया प्रोडक्ट सिर्फ 1800 रुपए में मुझे मिला है। अब ये कैसे मिला है, क्या क्या मुझे डिस्काउंट्स वगैरह मिले हैं, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको कंटेंट मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिलती है इन द बॉक्स, और उसके बाद चलेंगे अपनी टीवी स्क्रीन पे और देखेंगे कि इसका इंटरफेस कैसा है और क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो दोस्तों एक बार बॉक्स पे नजर डालें तो ऐसा कुछ बॉक्स आपको देखने को मिलता है अमेजोन फायर स्टिक थर्ड जनरेशन का। ऊपर कुछ एप्लीकेशन दे रखी हैं जिसको आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। साथ में अगर आप साइड पे देखोगे तो कुछ और फीचर्स और फंक्शंस वगैरह दे रखे हैं। पीछे की तरफ कुछ खास है नहीं और इस तरफ भी कुछ नहीं है। दोस्तों अगर आप इसके बॉक्स पे इसका प्राइस देखोगे तो आपको 5000 रुपये इसका प्राइस दिखेगा, बट जिस प्राइस पे मैंने मंगवाया है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और स्क्रीन की साइड में आपको अमेजोन की जो ऑर्डर डिटेल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कैसे कैसे अपने को डिस्काउंट मिले हैं जिसकी वजह से मैंने इसको 1800 में मंगवाया है। तो फटाफट इसको ओपन करते हैं और देखते हैं आपको क्या क्या कंटेंट मिलता है इसके अंदर। यह आती है फायर स्टिक, ओके। यह आता है एक स्मार्ट रिमोट। थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास सेकंड जनरेशन का रिमोट है तो उससे थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसको रखते हैं एक बार साइड में और क्या मिलता है। ए, निकल जा रे। One eternity later. एक ही आपको HDMI एक्सटेंडर मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है मुझे काफी, और इसके अलावा एक ये डेटा केबल मिलती है जो कि है माइक्रो USB केबल। इसकी लेंथ भी मुझे अच्छी खासी लग रही है और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, जब इसको कनेक्ट करेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा आपको और क्या मिलता है, ये आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिलते हैं, तो इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ तो कुछ नहीं है। ओह, यहाँ पर शायद आपको बैटरी और अडैप्टर देखने को मिलता है, शायद से एक बैटरी, दो बैटरी और एक ये अडैप्टर। जी हाँ दोस्तों, अमेज़ॉन की ब्रांडिंग के साथ आता है ये अडैप्टर, तो इसको भी रखते हैं साइड में। बाकी और कुछ तो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज देखने को मिल जाता है, कुछ भी चीज़ आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट इन चीज़ों को कर लेते हैं अनरैप और देखते हैं इनकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं रिमोट। ओके, रिमोट की क्वालिटी आपको वैसी ही देखने को मिलती है जैसे सेकेंड जनरेशन का रिमोट था ना, उसी तरीके से इसकी भी क्वालिटी है। बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, वो जब हम सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की जो फायर स्टिक है उसको कंपेयर करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या आपको अलग देखने को मिलता है। इसको एक बार साइड में रखते हैं, नेक्स्ट चीज़ को अनरैप करते हैं। तो ये आती है अपनी फायर स्टिक। तो फायर स्टिक की क्वालिटी भी आपको बिल्कुल सेम मिलती है जैसे कि आपको सेकेंड जनरेशन में फायर स्टिक की क्वालिटी थी, उसके जैसी ही बिल्कुल डिट्टो सेम आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आइटम क्या आती है अपनी, ये आती है डेटा केबल। तो डेटा केबल को अनरैप करते हैं तो इसकी लेंथ तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है यार, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मतलब आपका जो प्लग है वो थोड़ी दूर भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट आपको मिलता है एक अडाप्टर। अडाप्टर की भी सेम क्वालिटी है, सेम साइज़ है, सेम सब कुछ है सेकेंड जनरेशन की तरह। एंड एट लास्ट आपको अमेजोन बेसिस की 2 AAA की बैटरीज आपको देखने को मिलती है। दैट्स इट दोस्तों, यही सब कुछ आपको बॉक्स में देखने को मिलता है और मैंने आपको क्वालिटी भी दिखा दी कि कैसी कैसी क्वालिटी है हर चीज़ की। तो अब फटाफट चलते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे, इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी कैसी क्वालिटी है और क्या कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है और कैसा इसका यूसेज है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ फायर स्टिक के थर्ड जनरेशन की जो फायर स्टिक है उसके होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो होम स्क्रीन का इंटरफेस है ये आपको जो सेकंड जनरेशन का होम स्क्रीन का इंटरफेस था ना उससे थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। वैसे मैं ये जो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की जो फायर स्टिक है इन दोनों के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा जिसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। इसमें बनाई तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसलिए उसकी वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा, जिसका लिंक ऊपर मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जब मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आइकन्स वगैरह मिलते हैं होम का, फाइंड का, लाइव का, और अगर आप आगे चले जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सेटिंग्स का।
तो इसमें अगर हम एलेक्सा के थ्रू कुछ सर्च करना चाहें, वैसे एक बार रिमोट को देखो आप, रिमोट में जो एलेक्सा का बटन है ये भी आपको अलग से देखने को मिलता है और कुछ हॉटकीज भी आपको देखने को मिल जाती है। तो हम एलेक्सा के बटन को प्रेस करके एक बार बोलते हैं, एलेक्सा व्हाट इज द टेम्परेचर इन दिल्ली राइट नाउ। राइट नाउ इन दिल्ली इट्स 31 डिग्री सेल्सियस। एलेक्सा हाउ आर यू? आई एम हैप्पी। एलेक्सा तुमने खाना खाया? चलते रहने के लिए मुझे सिर्फ बिजली और वाईफाई की जरूरत है। ओके। एलेक्सा तुम्हारी उम्र कितनी है? चलिए आपको एक हिंट देती हूँ, एक और एक को जोड़िए फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा। ऐसा करने पर जो आएगा वही आपके सवाल का जवाब है। ओके इनोवेटिव, दिस वॉज जस्ट फॉर फन। वैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर होम फाइंड लाइव के साथ साथ आपको यहाँ पर प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, Z5, यूट्यूब और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में गए हम, यहाँ पर आप अकाउंट एंड प्रोफाइल में अपनी जो अकाउंट्स हैं उसको चेंज कर सकते हो और अकाउंट्स को ऐड कर सकते हो। नेटवर्क में आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो और मोबाइल के हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले एंड ऑडियो में आपको स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन है वो यहाँ पर आप टीवी पे चला सकते हो। ओके, उसके बाद आपको एप्लीकेशंस का ऑप्शन मिल जाता है एलेक्सा का। प्रेफरेंसेस में आप लैंग्वेजेस वगैरह, पेरेंटल कंट्रोल, प्राइवेसी वगैरह सब कुछ ये चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर रिमोट्स एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 5.0 का ब्लूटूथ का वर्जन मिलता है। पिछले जो वर्जन था उसमें क्या था वो मैं आपको जो कंपैरिजन वाली वीडियो है ना उसके अंदर बताऊंगा। इसके बाद एक बार हम चलते हैं फाइंड वाले सेक्शन में। तो फाइंड वाले सेक्शन में ओके, यहाँ पर कैटेगरीज वगैरह दे रखी है, सर्च तो कर ही सकते हो, साथ में आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं, जैसे रोमांस, हॉरर, एक्शन एंड एडवेंचर। तो हॉरर में अगर मैं टैप करूँ, देखा आपने कितनी जल्दी खुल रहा है। ओके, यहाँ पर आपको हॉरर मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अब हम बैक करते हैं और देखते हैं और क्या ऑप्शंस मिलते हैं आपको। ओके, नीचे और कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती हैं, ड्रामा, एनिमेटेड, क्राइम, फैंटेसी, बॉलीवुड और भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये जो रिमोट है ना, इसके जो हॉटकीज़ हैं उसको एक बार यूज़ करके देखते हैं। वैसे ये जो रिमोट है ये एक स्मार्ट रिमोट है, इसको आप इस रूम में मतलब टीवी के सामने करना ज़रूरी नहीं है, आप साथ वाले उसके साथ वाले रूम में से भी आप इसको जो टीवी है इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो अब हम इसके जो हॉटकीज़ हैं उसको चेकआउट करते हैं। जैसे मैंने प्राइम वीडियो पर टैप करा, ओके, ये 1 सेकेंड के अंदर खुल गया है। मैं बैक चला जाता हूँ। एक बार नेटफ्लिक्स पे टैप करते हैं। ओके, काफ़ी अच्छी स्पीड है और काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करती है। बैक करते हैं। एप्लीकेशंस का भी एक हॉटकी दे रखा है, उसको टैप करते हैं तो आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। ओके, अच्छा, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी आपको जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ना वो सपोर्ट करती है, तो आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, बिकॉज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक लाइव वाला सेक्शन रह गया, उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशन मिल जाती हैं जहाँ पर जो लाइव चैनल्स हैं ना वो आपको देखने को मिलते हैं। वैसे अगर ये जो लाइव चैनल्स हैं वो आप तभी देख सकते हो जब आपके पास इन जो एप्लीकेशन हैं इनकी सब्सक्रिप्शन हो, बिकॉज इसके अलावा तो आप इसमें देख नहीं सकते। फायर स्टिक की थर्ड जनरेशन में एक बहुत ही अच्छी चीज है, जिसमें अगर आप इसमें कोई कंटेंट देखोगे तो उसके साथ ही जैसे वो आपका कंटेंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद लोग सोचते हैं कि भाई इसके बाद क्या देखा जाए, तो ये एलेक्सा जो है वो आपके जो चॉइसेस हैं उसके हिसाब से ये आपको जो अगला कंटेंट है ना वो आपको वो करती है, क्या करती है, रिकमेंड करती है आपको। तो ये अमेज़ॉन की थर्ड जनरेशन की फायर स्टिक काफ़ी सही चीज़ है, और अगर आपके घर में एक नॉन स्मार्ट टीवी है, नॉन एंड्रॉयड टीवी है, तो उसमें आप ये जो फायर स्टिक है थर्ड जनरेशन की, इसको यूज़ करके आप उस टीवी को जो है वो स्मार्ट बना सकते हो, एक एंड्रॉयड टीवी बना सकते हो और इसके कमाल कमाल के फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो।
जिस प्राइस पे मैंने ये अमेजोन की फायर स्टिक जो थर्ड जनरेशन वाली है इसको मंगवाया है ना, उसके हिसाब से ये एकदम एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। और इसके जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी ये अमेजोन की फायर स्टिक परचेज करने की सोच रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज एफर्टलेसली।